गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों एक बार फिर से हमारे एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों मैं उठ रहा हूँ अभी सोकर, तो अभी नहाया धोया भी नहीं हूँ। तो अभी जैसे सो के उठा मैं सोचा कि पहले अपना व्लॉग शुरू किया जाए, तो आज के दिन का। तो दोस्तों आज के दिन का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले व्लॉग में आप लोग देख रहे हैं हमारे ट्रेडिशनल वीडियोस भी देख रहे हैं और हमारे वर्कआउट वीडियो भी देख रहे हैं जो हम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं हूं घर में, तो आज जो हमारे गड्ढे बनाने का प्रोसेस था वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो जहाँ पर मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि मैं वहाँ पर गड्ढे बना रहा हूँ, जो सड़क के साथ वाला प्लॉट है हमारा, तो आज वहाँ पर तीन खेत बचे हैं। तीन खेत में लगभग 100 से ज़्यादा गड्ढे हो गए, तो आज मैं वहाँ पर गड्ढे करने जाऊँगा। तो यही प्रोसेस रहेगा दिन भर का। तो देखते हैं क्या हो, कितने टाइम में हम उस काम को कंप्लीट कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों बने रहना इस आज के ब्लॉग में। तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो है नहीं जो कुछ दिखाने के लिए, जो हमारे घर के घरेलू जो कार्य होते हैं उसी को हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पहले करते हैं कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, तो उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और उसके बाद निकलेंगे खेत। और दिन के समय में हम नहाएंगे धोएंगे, क्योंकि खेतों में क्या हो जाता है कि पूरे शरीर में मिट्टी मिट्टी हो जाती है, तो इस वजह से अभी नहा कर जाऊँगा तो फिर मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, फिर दोबारा नहाना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कर लूँगा कि दिन के समय में ही नहाऊँगा। और मम्मी यहाँ पर नीचे गए हैं, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं ना बीच में, तो यहाँ पर हमने लहसुन बीजी है, तो लहसुन में थोड़ा सा पानी डालने के लिए गए हैं, क्योंकि पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो इस वजह से यहाँ देखिए आप, यहाँ मम्मी पानी डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर पानी डालने के लिए बचा हुआ है, क्योंकि काफ़ी देर पहले से मम्मी पानी डाल रहे थे। और तो चलिए दोस्तों आज के दिन के वैसे तो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो बने रहना आज के इस ब्लॉग में। तो हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में फ्रेश होने के बाद, और आपको दिखाएंगे हम आज के दिन का काम किस तरह से हमारा यहाँ पर काम हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो रही है दो बिल्लियों की लड़ाई, ये देखिए ये देखिए। यहाँ देखिए आप, ये देखिए, ये हमारी बिल्ली है यहाँ पर, ये है पी रही है अभी लस्सी, ये देखिए, ये देखिए जी लस्सी पी रही है भाई। इसमें दांत क्यों मार रही है, ये देखिए इसमें क्यों मार रही है दांत। तो यहाँ सामने आप देख सकते हैं ना, ये देखिए आवारा पशु जो कि पौधों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कौन लोग इनको छोड़ते हैं ये इनका पता नहीं है। तो लगभग हमारे जो गांव में आवारा पशु डाल रखे हैं तो वो लगभग 15 से 20 पशु हो गए, तो जो हमारे यहाँ पर पौधों का काफ़ी नुकसान करे है। तो सभी से मेरी यही गुजारिश है कि इस तरह का काम ना करें। ये देखिए जी काफ़ी पेड़ तोड़ दिए हैं, ये देखिए अभी यहाँ नीचे एक पेड़ को तोड़ने में लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये है देखो आवारा पशु यहाँ हमारे यहाँ पर खेतों में, ये देखिए कुछ पशु इधर है और कुछ यहाँ पर है। तो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पशुओं को इस तरह से आवारा मत छोड़े, क्योंकि किसी का नुकसान हो जाता है तो वो वही लोग जानते हैं जिनका नुकसान होता है, तो उनके दिल पर क्या बीतती है, जो इनकी मेहनत जो की होती है तो उस मेहनत का सारा सत्यानाश कर लेते हैं। तो सभी से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप इस तरह से अपने पशुओं को आवारा ना छोड़ें। तो जो लोग गौ माता का इतना बड़ा पाप कर रहे हैं तो उनका दूध घी खाकर अपन उसके बाद उनको आवारा छोड़ रहे हैं, तो वो लोग पाप के भोगी बन रहे हैं। तो आप लोग जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं, तो मेरे सबसे यही गुजारिश है कि आप गौ माता के पाप के भोगी ना बने, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के आगे भी इस तरह का जन्म लेना होगा, तो आप लोगों के भी यही हालत होने वाले हैं। तो इसलिए आप ऐसे काम ना करें जो इस तरह के काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप लोग कृपया करके, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से आवारा ना छोड़े पशुओं को और किसी की फसलों का नुकसान ना करें। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लोगों ने अपनी फसलों के लिए बहुत सारी मेहनत कर रखी होती है, तो सभी के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप
आवारा ना छोड़े पशु को। तो हम मैं खुद कहता हूँ कि हर साल हमारे जो गांव में, मेरे गांव में लगभग 50 से 60 पशु आते हैं। और वो कब आते हैं, जब जैसे ही सर्दी का मौसम आने वाला होता है तो ऊपर के इलाके के जो लोग रहते हैं वो लोग क्या कहते करते हैं कि ऊपरी इलाकों में तो घास की कमी होती है, तो जैसे घास ख़त्म हो जाती है तो वो क्या करते हैं कि अपने पशुओं को लोअर एरिया में भगा लेते हैं, आवारा छोड़ देते हैं और वो हमारे यहाँ पर फसलों का नुकसान कर लेते हैं। तो सभी से मेरी यह गुजारिश है कि इस तरह से काम ना करें। और आप अपने पशुओं को अगर कहीं छोड़ना चाहते हैं तो किसी गौ सदन में आप वहाँ पर छोड़ें और वहाँ पर घास दे सकते हैं, कुछ पैसे देकर आप वहाँ पर उनसे उन पशुओं के लिए घास प्रोवाइड करा सकते हैं। तो गौ सदन में आप अपने पशुओं को छोड़िए अगर आप अपने पशुओं को नहीं पाल सकते। तो इस तरह से यदि आप लोग अपने पशुओं को आवारा छोड़ोगे, दूसरों को नुकसान कराओगे, कभी अपना नुकसान होगा तो तभी आपको याद आएगा कि नहीं, इन पशुओं से कितना नुकसान होता है। तो मेरे सबसे गुजारिश है कि इस तरह के काम ना करें। आज के ब्लॉग में यही दिखाने वाला था कि सबसे मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं लोगों को यही मैसेज दूं कि आप लोग आवारा ना छोड़ें अपने पशुओं को। तो आप लोगों को मेरी जो ये बात कैसी लगी तो इसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी अपनी राय ज़रूर दें कि आप लोगों को ये जो इस तरह के लोग काम करते हैं लोग, ये तो इस पर आपकी क्या राय है। तो जो मैंने बात कही है वो कहीं ना कहीं अगर आपको कहीं गलत लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और कहीं ना आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही था छोटा सा मैसेज। और मैं तो जा रहा हूँ वैसे अपने काम करने खेत के लिए। तो जैसे खेत जा रहा था तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ पर खेतों में आवारा पशु ने बहुत सारे पेड़ों का नुकसान कर दिया है। तो इस तरह से बहुत दुख होता है कि हमारे मेहनत पर इतना नुकसान हो रहा है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इतना नुकसान सहना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं तो अभी जा रहा हूँ फिलहाल खेत के लिए। तो आज के दिन का काम कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में कि क्या क्या काम कर रहा हूँ मैं आज। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं गड्ढे करने आया था खेत में, तो अभी 2 बज चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ लंच करने। तो यहाँ देखिए दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा गड्ढे नहीं हो पाए क्योंकि ज़्यादा गहरे नहीं हो पाए क्योंकि इसमें मैंने पिछले इसी साल में इस प्लॉट की कटिंग की थी, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पत्थर है नीचे, तो हम इसको जबल के द्वारा इसमें दोबारा से गड्ढे करेंगे। तो कुछ गड्ढे का होल इतना हुआ है, कुछ गड्ढे का होल इतना हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ से लेकर नीचे तक मैंने पूरे प्लॉट में यहाँ पर सारे में गड्ढे कर दिए हैं आज। तो यहाँ से लेकर ये पीछे तक और ये नीचे वाली साइड में, तो यहाँ पर मुझे गड्ढे करने को रह गए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ अब लंच करने के लिए। आज थक भी गया हूँ, शायद आज के मैं बस तक ही काम करूँगा क्योंकि मशीन चला चला करना पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो आज फिर इसके बाद नहाने धोने का काम करूँगा और फिर रेस्ट करूँगा क्योंकि अपना ही काम है तो रेस्ट करना भी ज़रूरी है, नहीं तो बीमार भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जाते हैं अब घर। कल फिर हम गड्ढे बनाएंगे, कल संडे है, कल हम गड्ढे बनाएंगे। तो कल के दिन में ये वाला जो जितने हमारे गड्ढे बनाने को बच जाते हैं वो बना कर पूरे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, फटाफट से जाते हैं घर, भूख भी लगी है। पहले तो थोड़ा सा हाथ मुंह धोकर पहले खाना खाना है, उसके बाद नहाने धोना है। तो भाई अभी का सीन कुछ इस तरह का है। तो यहाँ मुझे लगी है चोट, ये देखिए आप, ये पूरा सूज चुका है क्योंकि जब मैं मशीन चला रहा था तो मशीन थोड़े से पत्थर के पास से ऊपर आ गई और वो मेरी तरफ लग गई। तो ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है पर दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है। तो थोड़ी देर में ये देखना बिल्कुल नीला पलट जाएगा ये वाला पोर्शन। तो वैसे तो मैंने इसमें थोड़ा सा मलहम तो लगा लिया था, तो मक्खन लगाया था मैंने इसमें थोड़ी देर पहले, तो ज़्यादा दवाइयाँ दुइयाँ कुछ नहीं लगा रहा हूँ पर दर्द हो रही है, पर देखते हैं कितने टाइम बाद ठीक होगी। ये देखिए यहाँ पर लगी है ये वाली। वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों, मैं जैसे कि आपको मैंने बताया तो मैं घर आ गया था काम करने के बाद। तो मैंने अभी लंच भी कर दिया है, नहा धोकर भी फ्रेश होकर आया हूँ। और थोड़ी सी मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पेन हो रही है मुझे। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर सो जाता हूँ और रेस्ट करता हूँ क्योंकि मेरा पूरे शरीर इतना दर्द कर रहा है कि हालत ख़राब हो रखी है। तो आज के इस ब्लॉग में यहीं पर एंड करूँगा। तो होप करते हैं कि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करके, ताकि आप लोग हमारी
हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सके और आप हमारी वीडियो को एंजॉय कर सके। तो ये आज का छोटा सा मैसेज था जो मैं गौ माता के पाप के बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको। तो इस तरह की काम ना करें, अपने पशु को आवारा मत छोड़े, हो सके तो अपने पशु को गौ सदन में सौंप दे, तो इस तरह के काम ना करें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या राय है इस पर, जो मैंने आज का आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज दिया है उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चले कि आपके क्या सुझाव हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।